कैथल के गांव देवबन से ग्राम पंचायत द्वारा अवैध तरीके से तालाब की खुदाई और तालाब की मिट्टी बेचने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम पंचायत द्वारा गांव के तालाब से मिट्टी उठाकर उसे निजी घरों में बेचा जा रहा है और तालाब खुदाई में खानापूर्ति की जा रही है। कायदे से तालाब की खुदाई मनरेगा मजदूरों द्वारा होनी चाहिए, लेकिन तस्वीरों में खुदाई के दौरान जेसीबी का प्रयोग देखा जा सकता है। इस बारे में मौजूदा सरपंच गजे सिंह का कहना है कि उन्होंने प्रस्ताव पारित किया हुआ है कि गांव के तालाब से अवैध कब्जा हटाकर तालाब का सौंदर्यकरण किया जाए। पूरे मामले पर समाज, शिक्षा एवं पंचायत अधिकारी अनुराग दत्त ने बताया कि सरपंच के माध्यम से उन्हें सूचना मिली है कि साफ सफाई और अवैध कब्जा हटाने के लिए प्रस्ताव डाला हुआ है और तालाब से पानी निकालने के लिए गड्ढे खोदे गए हैं। जहाँ तक जेसीबी का मामला है, ये मेरी जानकारी में नहीं है, मैं मौके का मुआयना करके पूरी जानकारी दे पाऊंगा। यदि ऐसा हुआ तो जो भी इसमें शामिल है उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। अमरपति जी, क्या मामला? एक मिनट ना हो गए, जेबीसी लग रही है पूरा जोर ना खोद। हाँ, और इसका ना न्यूवेरा यू जोड़ खोदता है। अच्छा, ना न्यूवेरा यू खोदता है, मट्टी लग रही है। अच्छा, मट्टी ना ले जाए। हाँ, मट्टी ले जा, कदे किसी का बर्त करे, करिया किसी का कुछ करे, करिया कुछ कर लिया। अच्छा, बर्त में भी मट्टी मिट्टी ले जाए, करिया करिया भी गिर का है, स्टेडियम में भी ले जाए। अच्छा ठीक, तो चीशी इधर में भी मिट्टी दी। हाँ, मिट्टी तो ले जा रहे हैं, मिट्टी बर्तो या उसका। तो फिर ये जो पंचायती मिट्टी है बेची जा रही है? हाँ, नहीं बेचता लग रहे हैं। अच्छा, कितने दिन से काम चला हुआ है? बिको रही होगी तो जो मकान नामा माटी गिर का भाई। अच्छा, ठीक है। जैसे ये है, हाँ, जो ये तालाब है, इसके लिए मंजूरी लेनी पड़ती है, सरपंच ने मंजूरी नहीं ली, उसके हाँ, बाद भी खुला तालाब है जो खुदवाया जा रहा है। हाँ, खुद लग रही है अभी, नुकाई तो मना तो सरकार ने देखा। अच्छा, जो जेसीबी है, जेसीबी नहीं चला सकते। अच्छा, जो मनरेगा मजदूर है वही तालाब तो तोड़ सकते हैं, ऐसा मजदूर लगे हुए हैं क्या? हाँ, ना मजदूर कौन लग रहे, मजदूर तो वही आवाज जेबीसी चल रही है, जेसीबी चली हुई है। हाँ, जेसीबी जो तालाब है वो मनरेगा के तहत खुदवाए जाते हैं, क्या मनरेगा अभी भी रनिंग टुकर के इन नबी रहे भी। ठीक है। मैं गजे सिंह, सरपंच ग्राम पंचायत देवन। सरपंच साहब, तालाब की खुदाई की जा रही है, इसके लिए परमिशन वगैरह ली गई है क्या? तालाब खुदाई नहीं की जा रही, तालाब के लिए खड्डे मारे गए हैं। हरियाणा सरकार के आदेश अनुसार डिप्टी सीएम साहब आए थे 11 अगस्त को, उन्होंने हमने मांग रखी थी सौंदर्यकरण में, जो अमृत सरोवर योजना है उसके अंदर सरकार से हिदायत थी भाई आप इसके निशान दे लो और कब्जे छुड़वाओ। जो इसके ऊपर स्थायी कब्जे थे वो खाली करवा दिए हैं, कुछ स्थायी कब्जे हैं सामने देख रहे हो आप, कुछ स्थायी भी, उनके बारे में एसडीएम साहब को रिपोर्ट देनी है हमने, वो हमारे पास रिपोर्ट आ गया है। जो हमने खड्डे मारे हैं, ये जेबीसी द्वारा जो गंदा पानी है उसके अंदर जाएगा, जो जल खुंदी है नहीं उसके अंदर खड्डे मार रखे हैं वो गंदा पानी उसमें जाएगा। सिर्फ इतनी कार्रवाई करनी है, उसके बाद सौंदर्यकरण सरकार द्वारा कराया जाएगा। सरपंच साहब, आपने सौंदर्यकरण की बात की है, प्रस्ताव आपने डाल दिया है, प्रस्ताव डाल के दिया, उसके बाद मंजूरी मिली है 15-11 के प्रस्ताव डाले हुआ जिसके अंदर मंजूरी मिली है सरपंच साहब। हम नहीं, पंचायत फंड में कराया जी सरपंच साहब, प्रस्ताव डालने में और मंजूरी लेने में डिफरेंस है मेरा सीधा। नहीं, हमने तो खड्डे नहीं सरकार विभाग की तरफ से आपको कोई मंजूरी मिली है? सुनो जी, हमने जो पंचायत फंड से रखे हैं उसमें खड्डे मारने का है, खड्डे मार के हमने और खुदाई करके हमने इसका। आपने प्रस्ताव डाल दिया सरपंच साहब? नहीं, 15-11 में आपने प्रस्ताव डाल दिया और आपने मंजूरी के लिए डीडीपीओ तो दिया होगा, बीडीपीओ दिया होगा, आप वहाँ से मंजूरी मिली है? नहीं जी, इसके में तो रेगा में नहीं खुदरे जी, बिल्कुल आज तो हमने खड्डे मारे। इसके बारे में स्टेटमेंट देना जी, जो स्टेटमेंट आपको दे हैं, जो ये स्टेटमेंट सही है बस। मैंने बता दिया, आपको बताया नहीं है, आप जो नोट कर लो, आप मनरेगा स्कीम का सुनो भी, नहीं नहीं अस्थाई, अगर अस्थाई सुनो भी, अगर आपने मंजूरी नहीं लेनी थी तो प्रस्ताव डालने का क्या मतलब? प्रस्ताव ये डाल रखा है, उसके अंदर में सौंदर्यकरण के अंदर है, जो गंदा पानी की निकासी है तालाब के अंदर खुम्बी जमी हुई है, उस खुम्बी को सुखाने के लिए जो हमने खड्डे मारे हैं, उन जो खड्डे के अंदर गंदा पानी जाएगा नहीं वहाँ रुकेगा, जब खुम्बी जल खुम्बी होगी सरकार पर रिपोर्ट भेज रखी है हमने सौंदर्यकरण के लिए, अमृत सरोवर योजना के अंडरटेक में नहीं, अमृत सरोवर योजना के अंदर खुद सुलाई पड़ जाएगी। अमृत सरोवर अंदर से जो तालाब आते हैं उनके लिए बकायदा लिस्ट ऊपर बेकायदा बेकायदा लिस्ट में नाम है बेकायदा, उनका ऑनलाइन टेंडर होता है सर, ऑनलाइन टेंडर हुआ बेकायदा भेजे हैं डिप्टी, ऑनलाइन टेंडर हुआ। सुनो तो मेरी बात सुन लो आप, जो आप डिप्टी सीएम आ गए, मेरा गाँव के रिकॉर्ड के अनुसार 8 तालाब है,
आठवां की निशानदेही हो चुकी है। निशानदेही होना, हाँ, निशानदेही होने के बाद में सरकार के सरकार हम सीधा स्पष्टता सवाल है, बिल्कुल प्रस्ताव डाल रखा जी हमने पंचायत फंड में डाल दिया, मंजूरी मिली नहीं, निंद्रा कोई हमने मंजूरी नहीं, बिल्कुल ना उसके अंदर हमने सिर्फ खड्डे मारे, खड्डे मारे। ग्रामीणों का आरोप है यूं कि भाई ये ग्रामीणों का आरोप नहीं है, जो ग्रामीणों का आरोप है वो है उन्होंने स्थायी कब्जे करे हुए, आज भी गोबर पड़े हुआ आपके सामने देख लो, वो उठवाने के देश उठवा नहीं रहे, वो जो मिट्टी स्टेट के अंदर जा रही है ये माता के अंदर पड़ी है, जो पंचायत की जमीन है उसके अंदर पड़ी है, नहीं कर हम मिट्टी किसी ने तो ट्रैली में काट सकता, मिट्टी खुलने की काम के हड़े सारे मेंबर मेंबर आ रहे मेरे से, ऐसा कुछ नहीं गलत काम कर, नहीं कर मिट्टी के नहीं, मतलब कोई मिट्टी नहीं गई है, कोई अपनी ट्रैली पर आगे काट सकता, बिल्कुल भी ये पड़ी आपके सामने पड़ी है पूरी, तालाबों से जब खुदाई होती है, तालाब खुदाई नहीं हो रही जी, ये तो खड्डे मारे हैं, खुदाई नहीं हो रही तालाब की, तुलाई सामने जेसीबी चल रही है, जेसीबी तो ये खंडे मार रही है, तो मिट्टी डाल दिया, आप देखो कितना, तो वहाँ पर जो जलकुंभी सुन दी, जो जलकुंभी है, जलकुंभी जलकुंभी को सुखाने के लिए हमने डिप्टी सीएम का गए एक प्रस्ताव डाला था, जो मतलब उनने क्या है प्रस्ताव डाल दिया अपने, मान लिया हमने आपके बाद, हमने मांग प्रस्ताव डाल दिया, हमने मांग रखी, हमने मांग पत्र दे दिया, उसके बाद हमने प्रस्ताव भेज दिया सरकार को, वो तालाब हो सुंदरकरण में, सिर्फ हमने जो मिट्टी थी खड्डे मारने के लिए, जो गंदा पानी रस्ते है जलकुंभी उसको सुखाने के लिए हमने खड्डे मार के, मंजूरी मिली आपको, किसकी मंजूरी मिली आपको सुंदरकरण की, हाँ सुंदरगढ़ प्रस्ताव में मंजूरी है, प्रस्ताव में है हमारी, प्रस्ताव प्रस्ताव पंचायत द्वारा पर्द होता है, जो अपनी मीटिंग है प्रस्ताव मंजूरी मिली है, ये सुंदरगढ़ अमृत सरोवर योजना में आई है, सुंदरगढ़ में नहीं है, अमृत सरोवर टेंडर तो होंगे, उससे पहले काम ये है कि सरकार के जश्न सर, सरकार सुनो पहले मेरी सुन तो लिया, सुनो भी आप मेरी सुन तो लिया, आप तो बहस कर रहे हो, चालीस वर्ष से इस पे कब्जे थे स्थायी कब्जे, सरकार ने निशानदेही करा दी है, कब्जे बहाल कर दिए हैं, कुछ कब्जे हैं जो स्थायी तौर पर है उनकी कार्रवाई कर दी है, एसडीएम के नाम प्रस्ताव भेज दिया गया है, ये कार्रवाई ठीक है।